जनपद मैनपुरी के थाना कृष्ण क्षेत्र के ग्राम सहारा निवासी एक युवक राजीव खान दो माह पूर्व खोई हुई भैंसों की तलाश करने क्षेत्र के आसपास के गांव में गया हुआ था, जहां उसकी भैंसे चित्रपुर नगरिया में एक जगह बंदी मिली। किसी तरह भैंसे तो घर आ गई, लेकिन युवक का कहीं अता पता नहीं चला, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने दो माह पूर्व थाना किशनी में गुमशुदगी में दर्ज कराई थी। पुलिस और परिजन युवक की तलाश में जुटे रहे। शक के आधार पर परिजनों ने पुलिस को अवगत कराया कि युवक के लापता करने में क्षेत्र के भगोनी निवासी अनिल और सुनील का हाथ है, जिसके आधार पर पुलिस ने अनिल और सुनील के नाम गायब करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसकी जानकारी मिलते ही अनिल आत्मसमर्पण करते हुए जेल चला गया, जहां से पुलिस ने अर्जी देकर हकीकत जानने के लिए अनिल को रिमांड पर लिया। रिमांड पर लेने के बाद अनिल ने पूरी कहानी तोते की तरह पढ़ दी। उसने बताया कि राजू की हत्या अनिल और सुनील के अलावा दो अन्य और लोगों ने की। शव को घनी झाड़ियों में फेंक दिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे में फोर्स के बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां से लापता युवक का कंकाल और कपड़े बरामद किए गए। घटना की सूचना जैसे परिजनों को लगी, वैसे पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि लापता युवक के घर वापस लौटने की परिजनों को उम्मीद थी, अब वह टूट चुकी है। घटना में शामिल अनिल और सुनील को पुलिस ने हिरासत में लिया और अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। थाना किशनी जनपद मैनपुरी का प्रकरण है। इसमें विगत 7 जुलाई 2020 को राजीव खान नामक व्यक्ति की गुमशुदगी लिखी गई थी। पुलिस तलाश कर रही थी, इसी बीच राजीव खान के परिजनों ने करीब 2 महीना बाद पुलिस को सूचना दी और FIR दर्ज कराई कि उनको उन्हीं के बगल के गांव के अनिल यादव और सुनील यादव पे पूरी आशंका है कि इन्होंने ही हमारे राजीव खान को मार के गायब कर दिया है। इस सूचना पर गुमशुदगी को तरमीम किया गया था और पुलिस दिन रात के कठिन परिश्रम करते हुए काम कर रही थी। इसी बीच नामजद एक अभियुक्त अनिल यादव हाजिर अदालत हो गया। हाजिर अदालत होने के बाद पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दी, जिस पे पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त हुआ। आज उसी अनिल यादव की निशानदेही पर हमने मृतक राजीव खान के मृत शरीर के अवशेष हड्डी इत्यादि बरामद किया है, साथ ही उनके कपड़े बरामद किए हैं। कपड़ों के सिर को देख करके मृतक के पिता और भाई ने पहचान की है, यद्यपि इसकी पुष्टि हम DNA परीक्षण के द्वारा भी कराएंगे और इस मामले में जो भी दोषी निकल के आ रहे हैं कोई बचेगा नहीं, सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई मैनपुरी पुलिस अमल में लाएगी, इसकी कार्रवाई प्रचलित है। मेरे रात को गए भैंसे ढूंढने, तो उनने 8:30 बजे मेरे पास फ़ोन किया कि मैं घर आ रही, तो मैंने कही तुम भी सर रास्ते में जाने, उनने क्या किया, मार दिए हैं, क्या किए इनको कोई पता नहीं। ये जो मैंने तहरीर दी थी गुमशुदगी की, उससे ये जो मुलजिम बरामद हुए हैं उनसे रिमांड पर लाए थे, उस रिमांड से मुलजिम को पकड़ के लाए थे, उसी ने ये बात बताई थी कि यहाँ पे मैंने डाला है। सुरेश मलिक लड़का राजीव खां था, भैंसे ढूंढने के लिए गया नगरिया गाँव, वहाँ से फ़ोन उसने करवाया लड़के अपनी बीवी के लिए, बीवी से कुछ बात हुई तो हम घर पे आ रहे, ठीक वहाँ से 20 मिनट चल के वो लड़का गायब हो गया। हो जाने के बाद हम लोगों ने सुबह तहरी दी गुमशुदा अज्ञात में, देने में पुलिस ने जांच की, धीरे धीरे 2 महीने हो गए जांच में कोई मतलब नहीं आ, 2 महीने के बाद धीरे धीरे पुलिस ने जांच करके सुनील और अनिल को इन लोगों ने उसको गायब किया मारा। उसके बाद में उन लोगों ने जब तहरी देख उसको देख रिमांड पर लिया, रिमांड के लेने के बाद और लोग जो थे उन लोगों ने रिमांड लेने पे और लोगों को उनको पकड़ने से नाम बताया, और भी लोग हैं सुनील और अनिल के बाद। NBCN न्यूज़ के लिए मैनपुरी से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट।